मैंगो केक बनाने जा रहे हैं। बहुत डिलीशियस होता है मैंगो केक, बहुत टेस्टी लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। देखिए हम ये केक बना के हमारा रेडी है, अभी हम आपको केक बनाना बताएंगे। चलिए मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। देखिए हमारा केक कितना स्पंजी है, बहुत स्पंजी है हमारा केक, बहुत सॉफ्ट बना है। देखिए बहुत सॉफ्ट बना है, आप बना के देखिए, और बहुत टेस्टी है। खा के एक बार बना के टेस्ट कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मिली किचन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आम का केक, मैंगो केक। हम लोग, आम का सीजन चल रहा है और आम की रेसिपी ना बनाए ऐसा तो नहीं हो सकता ना। चलिए ठीक है, हमने मैं आपको सामग्री बताती हूँ। मैंने एक आम का पल्प लिया हुआ है, ये देखिए मैंने एक आम का पल्प लिया है। ये मैंने मीठा सोडा लिया है थोड़ा सा, 2 पिंच है। और ये एक आम, ये दूध है हमने लिया है 1 कप, ये 1 कप के करीब चीनी है। ये हमने इसी कटोरी से समझ लीजिए कि एक एक कटोरी सब है, ठीक है। और हमने एक कटोरी ही सूजी भी ली है। और हाँ, हम सूजी से केक बनाने वाले हैं। ये मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, ये करीब करीब आधा चम्मच है, छोटे चम्मच से। और ये हमने रिफाइंड लिया है, हम रिफाइंड से केक बनाने वाले हैं। सनफ्लावर ऑयल है, आप किसी से भी बना सकते हैं, बटर से, घी से, किसी से भी बना सकते हैं। मैं रिफाइंड से बनाना बता रही हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। मैं एक मिक्सी जार ले लेती हूँ, इसमें हम डाल देंगे अपना मैंगो पल्प। एक मैंगो पल्प है, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। हम इसके साथ चीनी भी डालेंगे, हमारी पूरी चीनी चली जाएगी इसके साथ। इसको हम चम्मच, ये देखिए इसको पूरा ले लेंगे। बारीक चीनी इसके अंदर चिपक जाती है कटोरी में, पूरा अच्छे से इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर ये रिफाइंड डालेंगे, ये रिफाइंड हमने आधा कप लिया हुआ है, या आधा कटोरी समझ लीजिए। ये हम पूरा डाल देंगे, थोड़ा सा रखेंगे अपने केक के बर्तन में थोड़ा सा लगाने के लिए। हम इसको पीस लेते हैं। देखिए ये मिक्स हो गया है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम इसके अंदर ये सूजी डाल देंगे जो हमने लिया है। हम इसी के अंदर सारा मिक्स करेंगे, अलग से बर्तन में नहीं करेंगे। मिक्स करने के बाद ही हम इसको निकालेंगे। हम पूरा डाल देंगे इसके अंदर, 1 कटोरी, इस कटोरी से देखिए, इस कटोरी से 1 कटोरी है। चलिए इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर डाल देते हैं, ये हमारे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर है, इस चम्मच से आधा चम्मच है। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए ये आधा चम्मच ही है, और हमें आधा चम्मच ही बेकिंग पाउडर चाहिए। और ये करीब करीब 2 पिंच है मीठा सोडा, देखिए 1/4 चम्मच है छोटे वाले चम्मच से। और हम इसको मैश कर लेंगे। देखिए ये हमारा सूप पिस गया है अच्छे से, ये हमारा हो गया है। अब ये हमारा बैटर बहुत गाढ़ा है, अब हम इसके अंदर दूध मिलाएंगे। दूध मिला लेते हैं थोड़ा सा, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको हम मिक्स कर लेते हैं, देखिए ये हमारा इतना गाढ़ा हो गया है, इतना देखिए हमारा इतना गाढ़ा हो गया है। अभी हम इसके अंदर और दूध डालेंगे, क्योंकि ये सूजी हमारी फूलने वाली है, तो हम दूध को बाद में डालेंगे, पहले इसको हम बर्तन में निकाल लेते हैं, ताकि क्योंकि सूजी फूलेगी तो हम सूजी फूलने के लिए 10 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद ही हम दूध मिक्स करेंगे। देखिए मैं इसको इस बर्तन में निकाल लेती हूँ।
देखिए हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए इसके अंदर ही छोड़ देंगे ताकि हमारा सूजी फूल जाए। सूजी अच्छे से फूल जाएगी उसके बाद ही हम अपने केक के बर्तन में डालेंगे इसको और पकने के लिए डालेंगे। ये जितना अगर गाढ़ा हो गया तो हम इसमें थोड़ा दूध मिलाएंगे। चलिए इसको 10 मिनट के लिए हम ढक के रख देते हैं। देखिए मैंने इसको ढक के रख दिया है और 10 मिनट बाद हम इसको फूलने का वेट करेंगे। देखिए मैंने ओवन को 200 सेल्सियस तक इसको रखा है गर्म होने के लिए। देखिए हमारा ओटीजी है, ये देखिए ओटीजी है, ये हमने प्रीहीटेड होने के लिए अभी रख दिया है। जब हमारा 10 मिनट के बाद सूजी फूल जाएगी उसके बाद हम इसके अंदर रखेंगे। चलिए देखते हैं फूल, शायद हो गया 10 मिनट। 10 मिनट हो गया है, ये देखिए हल्का हल्का फूल गया है लेकिन हमारा ये परफेक्ट बना है। बस हल्का सा इसमें दूध डालना है, इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल देंगे, थोड़ा सा दूध डाल देंगे बस हो जाएगा, ज़्यादा नहीं डालेगा इसमें दूध। दूध को मिक्स कर देते हैं, दूध को मिक्स कर देते हैं। देखिए हमारा केक रेडी हो गया है, बस अब इसको हम ओवन में डाल देते हैं पकने के लिए। केक का बैटर रेडी हो गया है, देखिए हमारा ऐसा बैटर होना चाहिए जो आराम से गिर जाए ना, देखिए अच्छा होना चाहिए, ये परफेक्ट बैटर बना है हमारा। अब हम इसको दूसरे बर्तन में डालते हैं, इसमें हम ये देखिए ये रिफाइंड लिया है हमने और हम रिफाइंड लगा रहे हैं इसके अंदर। आप चाहें तो बटर या घी भी लगा सकते हैं। इसको अच्छे से हमने लगा दिया है, हम इसके अंदर बना रहे हैं, आप चाहें तो किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। चलिए मैं इसमें डाल देती हूँ। हमारा खूब बढ़िया केक बनकर रेडी होगा, हम इसको थोड़ा सा बैठा देते हैं। देखिए हमारा रेडी हो गया, अब हम इसको ओवन में रख देते हैं थोड़ा। अगर आप सजाना चाहें तो इसको सजा सकते हैं, मैं भी अभी इसको सजाऊंगी। इसे आप सजा सकते हैं चक्कर से बारीक बारीक कट करके, और आप इसको सजा सकते हैं इसी तरह से। आप चाहें तो इसके ऊपर किशमिश है, काजू है, मैंने जैसे काजू डाला है, बादाम डाला है, आप इसी तरह से चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट से सजा सकते हैं। चलिए मैं आपके पास चेरी है तो चेरी से भी सजा सकते हैं। अब मैं इसको ओवन में रख देती हूँ। देखिए पक रहा है हमारा ओवन में, इसको हम 15 मिनट पकाएंगे, 15 से 20 मिनट पकाएंगे, उसके बाद ही पक जाएगा। हम दिखाते हैं आपको, हमारा केक पक गया है और हमारा केक बहुत अच्छा बना है। चलिए मैं इसको पलट के दिखाती हूँ। देखिए हमारा केक बहुत अच्छा बन के रेडी हुआ है, हम इसको पलट देते हैं। देखिए कितना मस्त बना है हमारा केक, हमारा केक एकदम बढ़िया पका है। देखिए हमारा बहुत अच्छा बना है, इस पर कुछ भी लगा नहीं है। चलिए हम इसको हटा देते हैं, इसको काट के दिखाते हैं। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा केक पसंद आता है, मैंगो केक पसंद आता है, तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।